अब अंकुर एक बच्चा लिख के भेजा है, मुझे डिस्ट्रैक्शन है लाइक वन साइडेड लव एंड रिलेशनशिप। तो ये ना क्या नाम है बच्चे का, अंकुर से बात करते हैं। अंकुर अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, और अंकुर जैसे ही प्रॉब्लम वाले बच्चे, बड़ा टॉप का इशू है, जबकि शॉकिंग है बट हाँ ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस लाइक वन साइडेड लव एंड रिलेशनशिप, तो वन साइडेड लव को ले लेते हैं यार। अब बेटा अंकुर, एक तरफा प्यार का जो दर्द होता है बहुत भयानक होता है, और दूसरा तरफ वाला उसको कभी समझ नहीं पाता है। तो कहते ना कि मेरे प्यार को तुम क्या समझोगे, तो वही हालत होती है। और ये जो आप लोग को लगता है कि वन साइडेड लव हो गया है, वन साइडेड रिलेशनशिप हो गया है, बड़ा सीरियस हो जाता है कई बार, और ऐसा लगता है यार सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा है ना, सामने वाला मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है। फिर अपन क्या करते हैं, अपन बहुत एफर्ट करने लगते हैं उस पर्टिकुलर लड़की के लिए, उस पर्टिकुलर लड़के के लिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। तो एक तरफा प्यार ना बहुत दर्द भरा होता है। अब होता क्या है कि आपको लगता है यार सामने वाला मेरा प्यार क्यों नहीं समझ रहा, मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझ रहा। आपको ये समझना होगा यार, किसी की फीलिंग पे, किसी इंसान के इमोशंस पे, किसी इंसान की ज़िंदगी पे आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और जिस दिन आप ऐसा करने लगोगे, उस दिन आप यार अपनी ज़िंदगी के हीरो नहीं, अपनी ज़िंदगी के विलेन बन जाओगे, जब आप किसी सामने वाले के थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो अगर आपको किसी से वन साइडेड लव हो गया है, तो पहले तो आपको समझना चाहिए कि वो वन साइडेड लव है भी या नहीं है, या सिर्फ आपका अट्रैक्शन है। अगर आप सच्ची में किसी व्यक्ति से प्यार करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने माता पिता से प्यार करते हो, अपने भाई बहन से प्यार करते हो, आपका भाई बहन हो गया, आपके माता पिता हो गए, और वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या खुश हैं किसी चीज़ में, तो आप उनको खुश रहने दोगे ना, ना कि आप उनको फोर्स करोगे, उनको ज़बरदस्ती करोगे, नहीं बैठ के मुझसे बात करो, नहीं तुम बैठ के मेरा ये पर्टिकुलर काम कर दो। आप उनको फोर्स नहीं करते हो। तो यदि सत्य में, हकीकत में आप किसी इंसान से प्यार करते हो, किसी व्यक्ति से प्यार करते हो, तो उसको खुश रहने दो, है ना। एक बड़ा अच्छा गाना है, बड़ा फेमस गाना है, 12-13 साल पुराना, दैट इफ़ यू एक्चुअली लव हर यू शुड लेट हर गो। मतलब अगर किसी सही में प्यार करते हो तो उसको जाने दो यार, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। और बड़ा दर्द है यार ये, एक तरफा प्यार में बड़ा दर्द होता है। कि कई बार क्या होता है कि दिन निकलते हैं, हफ्ते निकलते हैं, महीने और साल निकल जाते हैं एक तरफा प्यार में, है ना। क्लास 10 से स्टार्ट होता है, क्लास 12 तक रह जाता है, लगता है कि कब वो आके एक बार मुझसे बात कर ले, कब वो एक बार मुझसे पूछ ले, कब मेरी फीलिंग समझ जाए, बट एक्चुअली वो कभी समझती नहीं है, या वो कभी समझता नहीं है। और उसके ऊपर इस चीज़ का कोई दबाव बनाना कोई सही बात भी नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके खुद को समझा लो कि कुछ नहीं होने वाला है, और आगे बढ़ जाओ अपने जीवन में। रही बात रिलेशनशिप की, तो यार 90% ऑफ यू विल बी टफ कि आप रिलेशनशिप के साथ पढ़ाई को मैनेज कर पाओ, 10% ऑफ यू कैन डू इट। अगर वो रिलेशनशिप आपकी पढ़ाई को हार्म नहीं कर रहा है तो वेल एंड गुड है, यू कैन गो विथ इट, इसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार रिलेशनशिप आपको हेल्प करते हैं। अगर आपको प्यार ऐसा मिला है जो आपका हमसफ़र है, आपका हमसाथी है, जो आपको आगे ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, जो आपको स्ट्रैटजीज में हेल्प करता है, जो आपको हमेशा प्रेरित करता है कि आप जीवन में कुछ करो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और ऐसे कोई इशू एक और उठा लेते हैं। रोहित ने बच्चे ने कहा है, ये बहुत जेन्युइन है, इसने बोला है कि मेरा सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, 4 घंटे की चैटिंग और इंस्टा रील देखता हूँ। तो रोहित तुमने ये नहीं बताया तुम 4 घंटे किससे चैटिंग कर रहे हो, तो तुम्हारा इशू उस पर्टिकुलर पर्सन पे है। तो रोहित से भैया जो भी चैट कर रहा है बंद कर दो रोहित से चैट करना, क्योंकि रोहित को तुमसे चैट करना पसंद नहीं है। अगर होता रोहित से जो भी चैट कर रहा है, प्रियंका प्रिया अगर मेरी बात सुन रही हो, मत चैट करो उससे, वो खुश नहीं है। वो वहाँ पहले तुमसे चैट करता है, फिर सुबह आके पश्चाताप करता है, और यहाँ पे लिख के जाता है अपना इशू। तो उससे चैट करना बंद कर दो। तो रोहित, जाहिर सी बात है कि आप वो चीज़ करते हो, फिर आपको रोज़ उस चीज़ का पश्चाताप होता है, तो आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी होगी। देखो सोल्यूशन बहुत सिंपल होता है चीज़ों का। चैटिंग की आदत पड़ गई है, चैटिंग छोड़ दो। रील्स देखने की आदत पड़ गई है, रील्स देखने की आदत छोड़ दो। इंस्टाग्राम डिस्टर्ब करता है, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। बहुत सिंपल होती है ये सारी चीज़ें, बस किया नहीं जाता है। तो करना पड़ेगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी और खुद को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारी रोहित प्रॉब्लम है कि 4 आवर्स डेली चैटिंग होती है, तो चैटिंग होती है तो चैटिंग बंद कर दो। इंस्टाग्राम पे चैटिंग होती है, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है, व्हाट्सएप डिलीट कर दो। उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ब्लॉक कर दो, उसको हाथ जोड़ के बोल दो तुमसे आज से बात नहीं करेंगे, नहीं सुनता है ब्लॉक कर दो, नहीं सुनता है उसको डांट दो, नहीं सुनता है अपने पापा से बात करा दो, मैटर खत्म। ठीक है, तो बहुत सिंपल होती है सोल्यूशन यार चीज़ों का। पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई करो। बैठने का मन नहीं कर रहा है, बैठो। आदत नहीं बन रही, आदत बनाओ। क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, खूब सारे क्वेश्चन लगाओ। रिवाइज नहीं होता है, रिविजन करो। सोल्यूशन तो तुम्हारे सामने है, तुम मुझसे सोल्यूशन पूछने नहीं आए हो, तुम्हें खुद पता है सोल्यूशन क्या है। आप इतने बड़े हो गए हो, आप 18 साल के हो गए, 17 साल को, आपको पता है अपनी ज़िंदगी को कैसे ड्राइव करना है ना। बस होता नहीं है, बात यह है। तो कैसे होगा, करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर आंसर।